What's up, guys? आप जब आओगे तो एक्सपीरियंस करोगे गाइस, देन यू विल लेट यू नो कि भाई क्या चीज़ है ये। तो उसके अलावा भाई मज़ा काफ़ी आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे वर्ड्स ना, आप लोग को लग रहा होगा क्या ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आते हैं तो ये ना फीफी ले है, तो यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हो और यहाँ पर चाहो तो अपने बोट में बैठ कर थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। यहाँ से ना लैंडस्केप मतलब बिल्कुल ना फोटोजेनिक प्लेस है, तो अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो मैं तो ये बोलूँगा कि उसको कि भाई यहाँ पर आके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेगा तो भाई मज़ा आ जाएगा उसको ना। सो हेलो गाइस, फिर से एक नए दिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अविनाश, आपका होस्ट और दोस्त, और आज मैं जा रहा हूँ वन डे टूर के लिए फीफी आइलैंड से। तो जितनी भी जगह कवर अप होंगी वो आपको पूरी दिखाने वाला हूँ, और ये जो टूर मुझे पड़ा है वो आपको बीच में बताऊँगा, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर तो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लग जाए अगर फीफी आइलैंड से कोई भी, अगर आप यहाँ से फेरी लेते हो या फिर ट्रैवल वगैरह करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरे हॉस्टल वालों ने लोकेशन दे दी है, तो लोकेशन दे देने के बाद तो मैं निकलता हूँ मैं उस लोकेशन पे, देन उसके बाद में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, ऐसा कुछ ही बुकिंग सेंटर, ये टॉप 10 टूर से मैंने कराया है, और ये और अभी जो फुल डे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी मैं आपको सब शो करने वाला हूँ, जैसे स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड है इसमें, और इसमें दो तीन एक्टिविटीज़ और हैं, और सनसेट का भी है, लेकिन मैंने सनसेट चूज़ नहीं किया, मैंने उसके अलावा एक दूसरी एक्टिविटी चूज़ करी है। तो आपको पूरा पूरे दिन का प्लान बताऊंगा, इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है और लंच भी इंक्लूडेड है। तो अभी थोड़ी देर में अपन निकलेंगे अपने टूर के लिए। गाइस अभी बीच पे पहुंच चुके हैं, और अभी बीच ना कुछ ऐसा दिखता है गाइस, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और जो मेरे साथ कुछ लोग हैं, एक तो मेरा हॉस्टल से ही है, लाइक ही इज़ फ्रॉम कैनेडा, एंड अभी एक और फ्रेंड से मिला हूँ, लाइक ही इज़ फ्रॉम फ्रांस। सो गाइस अभी लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है, देख के बहुत अच्छी फील आ रही है, अब देखते हैं कैसा रहता है। अभी जाएंगे हम एक बोट ट्रिप पे, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है, सो लेट्स सी गाइस कैसा होता है। यहाँ से ये बोट निकाल रहे हैं, देन उसके बाद हम आगे जाएंगे। सो गाइज अभी हमने यहाँ पर स्नॉर्कलिंग की थी, तो मे बी शायद से हम बाकी जगह भी करेंगे। अभी मेरा GoPro है ना वो वाटरप्रूफ नहीं है, सो इसलिए मैं अंडर वाटर नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ से मे बी शायद से आपको एक दो फिश वगैरह दिख जाए, हैं मतलब अलग अलग तरह की फिशेस वगैरह हैं यहाँ पे, अच्छी फिशेस हैं। Thank you.
सो गाइस अभी हम बैम्बू बीच में आ चुके हैं और यहाँ का जो पानी है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल मादिल जैसा लगता है। और नज़ारे तो क्या ही बताऊँ गाइस, बिल्कुल लाजवाब, बहुत ही हर जगह मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के और मज़ा सा आ रहा है। और बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊँ इस साइड तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी मैं भी आगे तक पूरा वॉक लेके आता हूँ क्योंकि जो मेरी बोट है उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे एक घंटा है, सो यहाँ पे हम एक घंटा स्पेंड कर सकते हैं। और हमने जो फ़ीस पे की है, पहले तो मैंने 600 बात दिए थे, उसके बाद इन्होंने 400 बात मांगे हैं माया बे बीच के और इसके बैम्बू बीच के। वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा कि वो चार्ज हमारा क्यों लगा, वर्थ इट था या नहीं था, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो पूरा रिव्यू मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अभी बहुत मज़ा आ रहा है, पीछे से पूरा मस्त नज़ारा दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये पूरा बैम्बू बीच है, उस साइड हमारी बोट खड़ी है और यहाँ पे सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं। अभी मैंने तो स्विमिंग स्नॉकलिंग पहले ही कर ली थी, तो अभी तो मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। और गाइस ये जो आपको सामने दिख रहा है ये लाइफ गार्ड टावर है, मतलब वो एक ब्लैक कलर की ड्रेस में अगर यहाँ पर आपको कोई भी दिखता है तो इसका मतलब वो लाइफ गार्ड है। और वो लोग मना करते रहते हैं कि ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो गाइस बैम्बू बीच का ही स्विमिंग वाला एरिया है, तो यहाँ पे स्विमिंग करते हैं। तो अगर आपको स्नॉकलिंग नहीं आती है तो अपना जो स्नॉकलिंग का जो इक्विपमेंट होता है वो अपने साथ ज़रूर ला के यहाँ पर आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। अब मुझसे गलती तो ये हो गई कि मैंने स्नॉकलिंग वाला इक्विपमेंट मेरा बोट के ऊपर ही छोड़ दिया, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा बीच यहाँ पर काफ़ी अच्छा बीच है, ये यहाँ पर ये पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और अगर आप कपल में आते हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो या गर्ल्स का ग्रुप है, आप जैसे भी आ रहे हो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर सब सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं, ग्रुप ट्रैवलिंग भी करते हैं। और उस साइड पर देखो बोट वगैरह काफ़ी सही सीन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी स्नॉकलिंग करने गए हुए हैं, एक इक्विपमेंट लेके आए, दो कैनेडा से है और दूसरा वाला फ्रांस से है, तो अभी वो कुछ देर में आएंगे। और वहाँ पर भी बोट वगैरह लगी हुई है। तो गाइस अभी आपको ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ फीफी आइलैंड के बारे में। जैसे कि अगर आप कहीं पर भी खाना खाने जाते हो, कोई भी रेस्टोरेंट पे, तो एक बार भारी मेन्यू लगा होता है, उस पर जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर टैटू वगैरह आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, तो अगर आपको टैटू कराने का शौक़ है तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये बिल्कुल ना आइलैंड के बीच में है, तो यहाँ पर आपको अगर आप पार्टी लाइफ पसंद है आपको और आपको नेचर के पास में रहना पसंद है, थोड़ा क्राउडेड है एज़ कम्पेयर टू आप फुकेट अगर आप भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जो हॉस्टल और होटल वगैरह हैं वो एज़ कम्पेयर टू थोड़े से बजटेड में नहीं रहेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, 400 से 500 बात पर नाइट पड़ सकता है, तो एक बार वो चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो गाइस ये जंगल है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बैठने की जगह है, वहाँ पर आप बैठ के कुछ भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। अभी हम जा रहे हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ पर वही बीच है लेकिन थोड़ा काफ़ी बड़ा बीच है ये, तो अभी हम दूसरी साइड जा रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा सीन रहता है। अभी ये पूरा फॉरेस्ट है यहाँ पर, जैसा कि आपको ये सामने दिख रहा है, ये पूरा फॉरेस्ट है, आगे भी वो पूरा फॉरेस्ट है। तो वहाँ पर बैठ के छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, लोग ड्रिंक ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से वो चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो, देन उसके बाद में आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और काफ़ी अच्छा है ये बैम। सो गाइस ये है पार्क रेंजर यूनिट 3 को माए पाए, ये जो भी आपको जो दिख रहा है ये है वो। और बाकी हमारी बोट यहीं पर कहीं पर आसपास पार्क हुई थी, तो देन उसके बाद में उधर जाना है, देन अपन वापस चलेंगे। गाइज इस साइड जो ये वाला पार्ट है ये पूरा खाने का पार्ट है, यहाँ पर आपको अलग अलग खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बस वही है कि अगर आप वेज नॉन वेज एक बार पूछ लीजिएगा खाने से पहले, तो ऐसा है यहाँ पर कुछ।
और गाइज़ अभी मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आज स्नॉकलिंग ट्राई करी, तो क्या हुआ जैसे मैं कूदा पानी में, मेरे को पहले थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है लेकिन यहाँ का पानी इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुंदर में स्विमिंग करना और एक नॉर्मल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो उसके बाद फिर मैंने लाइफ जैकेट ले लिया और बाकी थोड़ी बहुत मछलियाँ वगैरह दिखी मुझे। काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि जो चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि मैंने चीज़ें भी ट्राई करी। और भी आगे अभी अपन बाकी जगह भी जाने वाले हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं तो बोलूँगा कि दोस्तों बात, अगर आप आज तक कोई ऐसे बीच पे नहीं गए हो जहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं आया है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और बाकी ये बिल्कुल एक आइलैंड पे है, बिल्कुल बाहर है, तो इसलिए आई थिंक ये लोग 200 बात लेते हैं। सो गाइज़ अगर आपको ये ठीक लगता है, अगर आपके बजट में बैठता है, तो आप कर सकते हो, वरना आप बाकी भी काफ़ी बीचेज़ हैं जो फ्री बीचेस हैं थाईलैंड के अंदर, तो वहाँ पर भी जाके अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू नॉट स्विम विदाउट अ लाइफ जैकेट। सो गाइज़ लाइफ जैकेट अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो मत कीजिएगा। और उसके अलावा इस बीच के ऊपर स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मोक करते हो तो आप अच्छा खासा फाइन कर सकते हैं। तो कभी ध्यान रखना कि इस बीच के ऊपर आप स्मोक वगैरह भी मत करना। और गाइज देखो यहाँ पर ना दो टाइप की बोट होती है, एक तो ये दिख रही है आपको, ये आई डोंट नो इसका फेयर कितना है, हम जिसमें आए हैं वो वैसी बोट है, उसका जो फेयर लगा है ऑलमोस्ट वो 600 बात लगा है और 400 बात हमें बीचेस पे एक्सप्लोर करने के एक्स्ट्रा देने हुए हैं। और आप देख सकते हो काफ़ी बोट्स वगैरह यहाँ पे ये खड़ी हैं, तो जो आपके बजट में ठीक बैठता है वो आप ले सकते हो। बाकी इसमें जो टूर ले रहा हूँ उसमें लंच भी इंक्लूडेड है, तो आपको भी लंच दिखाऊंगा कि कैसा है लंच। काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि पहले स्नॉकलिंग की, इसका स्विमिंग भी की, स्विमिंग भी काफ़ी ज़्यादा कर ली मैंने, तो इस वजह से थोड़ा सा थक गया हूँ, तो अभी मेरे को थोड़ा लंच चाहिए। अब देखते हैं कि लंच कैसा होगा, तभी मैं यहाँ से कुछ भी खाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फॉर श्योर कॉस्टली होगा, क्योंकि बिल्कुल बाहर है, एक आइलैंड पे है। तो गाइस अगर आपके बजट में बैठता है तो आप यहाँ पर लंच वगैरह कर सकते हो, अगर आप पर्सनल बोट लेके आ रहे हो, वरना आप अगर जो एक्टिविटीज़ या फिर जो भी टूर पैकेज आपने लिया उसमें आपका लंच इंक्लूडेड होगा। और गाइज़ एक और चीज़ है, यहाँ पर ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, माना कि बिल्कुल समुंदर के पास में है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। पसीने से आपको लग रहा होगा कि मेरे को देख के कि भाई गर्मी कितनी ज़्यादा होगी, तो वही है गाइज़, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इट वॉज़ क्वाइट गुड। सो अच्छा लग रहा है गाइज़ मुझे, तो बाकी बस देखते हैं कैसा रहता आगे का अपना सफ़र। और गाइस एक और चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आता है, तो इस बीच पे अगर आप आ रहे हो तो आपका जो फ़ोन है यहाँ पे आने के बाद काम नहीं करेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी को कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह करना है, कुछ भी टेक्स्ट वगैरह डालना हो, आई डोंट नो हो सकता है, तो आप पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं मिलते हैं। और बाकी नज़ारा तो गाइस माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गाइज अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं ये बैम्बू बीच को, चलो बाय बाय बोल देते हैं। तो गाइज ये कुछ ऐसा खाना है, लंच चाहिए और एक ये वाटर बॉटल मिली है, तो अभी टेस्ट करता हूँ कैसा है।
गाइज अभी हम आ चुके हैं मंकी बीच के ऊपर। आई नो कि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी मंकीज देख रखे होंगे इंडिया के अंदर, लेकिन थाईलैंड के भी मंकी देख लो कैसे होते हैं। दो मंकी बीच हैं बेसिकली यहाँ पे, तो एक मंकी टाइप का आइलैंड है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत मंकी हैं। सो गाइज दिस इज द मंकी। और गाइज ये जो बीच है ना, बिल्कुल छोटा सा बीच है। और देखो गाइज ऐसे टाइप की बोट्स होती हैं यहाँ पे, एक ये बोट है और ये आगे भी काफ़ी बोट्स वगैरह हैं। तो आपको ना यहाँ पर काफ़ी बोट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी अलग अलग टाइप की, तो जो आपके बजट में फिट बैठता है, यू गाइज कैन टेक दैट बोट और आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी ये केव्स वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पर, तो अगर आपको फ़ोटो वगैरह खींचने का काफ़ी शौक है तो यू गाइज कैन टेक द फोटोग्राफ्स ऑल्सो। तो ये देखो अभी बोट ऐसे निकल रही है, तो ये लोग ऐसे डंडा उठाते हैं और यहाँ से ऐसे बोट निकल जाते। गाइस डिफरेंट टाइप की जो बोट्स होती हैं उसमें ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप कपल हो तो आप एक पर्सनल बोट करके भी आ सकते हो, जिसमें मैंने देखा है कि दो से तीन लोग ही आ रहे हैं सिर्फ मैक्स टू मैक्स। और अगर आप चाहते हो ग्रुप के साथ ट्रैवल करो तो आप पांच से छह लोग भी आ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देखो ये रहा मंकी का झुंड, देखो देयर आर लॉट्स ऑफ मंकीज, आप देख सकते हो ये रहे मंकीज वगैरह। तो यहाँ पर लोग काफ़ी सारे देखो फोटोज़ वगैरह खिंचवाने आते हैं, देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। कितने पॉपुलर हैं, मतलब मंकीज़ के साथ ही सब लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए उतने ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। और गाइस देखो ऐसे यहाँ पर ये लोग बोट बांधते हैं, ऐसे नोट बांधते हैं, और ये कुछ इस टाइप की बोट है। सो गाइस अभी हम मंकी बीच के पास में अभी हम जा रहे हैं पीपी बे, एक पीपी आइलैंड अलग है और पीपी बे अलग है, तो पीपी बे में जा रहे हैं, तो अभी वहां पे जाके देखते हैं कि कैसा रहता है। तो अभी ऑलमोस्ट हमारी बोट पार्क हो रही है। सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, तो अभी मैं स्नॉर्कलिंग करने जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ स्नॉर्कलिंग कैसे करते हैं। लाइफ जैकेट इसलिए डाला मैंने क्योंकि ओशन में स्विमिंग करना इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन जो हमारे घर में स्विमिंग पूल होता है उस पर या फिर घर स्विमिंग पूल पर जाते हैं। दिखाता हूँ
तो गाइज अभी हम ये फीफी ले पहुंच चुके हैं, तो ये आसपास आपको काफ़ी बोट्स वगैरह दिख रही होंगी, तो इसमें ना स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ना स्विमिंग वगैरह लोग काफ़ी कर रहे हैं, माया बे में नहीं कर सकते लेकिन। तो गाइज फाइनली अभी हम माया बे पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना कुछ कंडीशन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप स्विम नहीं कर सकते हो और माया बे थोड़ा सा दूर है, एटलीस्ट आपको वॉक करके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको आपकी बोट छोड़ देगी। सो गाइज ऐसा कुछ है ये, जैसे कि यहाँ पर बोट ही अभी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर लगा देंगे, देन उसके बाद में आपको यहाँ से वॉक करके जाना होगा ऊपर की तरफ। तो गाइज कुछ ऐसा है। सो गाइज अभी मैं माया बे के अंदर आ चुका हूँ, तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेस है, और बाकी मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे यहाँ के, तो अगर आपको फ़ोटोज़ चेकआउट करने तो जाके एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे यूज़र नेम अभी ट्रैकर है। और उसके अलावा यहाँ पे ना मतलब बेसिकली क्या है कि लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है, फोटोजेनिक प्लेस है नेचर के साथ में, तो बहुत मज़ा आएगा आपको अपना पर घूम के। सो गाइस ये माया बे के अंदर ना छोटे छोटे ऐसे रूट्स वगैरह बना रखे हैं पाथवे करके, फुटपाथ, तो उसमें आप ना घूम सकते हो आराम से। और और गाइज ऐसा कुछ रास्ता है बीच पे जाने का, तो यहाँ से अपन राइट हैंड साइड पे जाके एक बार बीच पे चलते हैं, बीच पे देखते हैं कि कैसा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख रखे हैं हर जगह, पता नहीं 5,000 से लेकर 10,000 बाट तक फ़ाइन लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और ये कुछ रूल्स वगैरह है, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड देन उसके बाद में राइट हैंड साइड पर चलते हैं अपन और घूमते हैं थोड़ा सा ना, बीच वगैरह को एक्सप्लोर करते हैं। और गाइस ये मैं आ चुका हूँ अभी बीच के ऊपर, माया बे बीच, और काफ़ी अच्छी सैंड है इसकी ना, बिल्कुल वाइट सैंड है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत ही सही सीन है गाइस यहाँ का ना, अगर थाईलैंड तो मैं बोलूँगा कि यार एक बार तो एटलीस्ट हर इंडियन को अपनी लाइफ में घूमने के लिए आना चाहिए, इतना हार्ड है नहीं, वीज़ा ऑन अराइवल है, और भाई घूमने लाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट इन होल वर्ल्ड, तो एक बार ज़रूर आओ यहाँ पर, ट्रैवल ज़रूर करो। और ये देखो गाइस क्या लैंडस्केप है, काफ़ी अच्छी जगह है, और ये काफ़ी प्यारी जगह है माया बे करके, वहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू माया बे, और यहाँ पे काफ़ी लोग घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना स्विमिंग अलाउड नहीं है। आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो लेकिन यहाँ पर स्विम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आगे देखोगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी बंदा ना स्विम करता हुआ नहीं दिख रहा होगा, ओनली यू कैन जस्ट टेक द फोटोज़ एंड ऑल। अभी आपको कैमरा में तो आई डोंट नो कैसा लग रहा होगा, लेकिन भाई जो बंदा के यहाँ पर एक्सपीरियंस करके जाएगा ना उसको मज़ा ही आ जाएगा,
क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ ना अभी तो बिल्कुल ही पहाड़ और बिल्कुल साइड में बीच है और इतने लोग आ रखे हैं अलग अलग कंट्री से, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप भी ज़रूर आओ ऐसी जगह पर ताकि आपको भी मज़ा आए। और अभी मैं वहाँ तक वॉक करूँगा, एंड तक है वहाँ तक मैं वॉक करके फिर देन मैं वापस से आके अपने वहीं पर ही चले जाऊँगा जहाँ से मेरी फेरी मिल रही है। और बाकी इसके बाद भी कुछ प्लान्स हो रहे हैं, सो गाइज जैसे जैसे प्लान्स होते जाएंगे मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। और गाइज अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ मायावी बीच का, तो अभी तक जितने बीचेस मैंने घूमे सबसे अच्छा बीच मुझे ये लगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी बीचेस से, और बाकी वाइट सैंड है बिल्कुल कि भाई देख के ही मज़ा आ जाता है। आप जब आओगे तो एक्सपीरियंस करोगे गाइज, देन यू विल लेट यू नो कि भाई क्या चीज़ है ये। तो उसके अलावा भाई मज़ा काफ़ी आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे वर्ड्स ना, आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूम के, और बहुत लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए गाइज सीरियसली। अभी मुझे आगे वो जो एंड पॉइंट दिख रहा है ना, मुझे सिर्फ बस वहीं तक वॉक करना है, उसके बाद देखूँगा अगर वहाँ से कोई रास्ता हुआ तो राइट हैंड साइड पर चढ़ जाऊँगा, वरना फिर वापस आके अपने वहीं से अपन को वॉक करके जाना पड़ेगा जैसे अपन पहले जा रहे थे। तो अब देख सकते हो गाइस यहाँ पर ना लोग वगैरह काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फोटोजेनिक प्लेस। और बाकी स्विम करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्विम नहीं कर सकते, सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह खींचो। ये देखो एक बार ना यहाँ से खड़े होकर पूरा व्यू दिखाता मायावी का, माशाल्लाह भाई ये होती है नेचर ब्यूटी ना, और इसको कैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है थाईलैंड गवर्नमेंट ने, हेड्स ऑफ टू देम भाई, मज़ा आ गया सच में आके। और ये बिल्कुल एंड पॉइंट आ चुका है बीच का, और यहाँ पर ये कुछ केव्स वगैरह हैं, ये भी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना वो है। अब मैं चाहूँ तो आगे भी जा सकता हूँ, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सेफ़ नहीं लग रहा है, तो मैं यहीं से ही यू टर्न मार के अपन जहाँ से आए थे ना अपन वापस ही चलेंगे वहाँ पे। तो गाइस अभी हम मायावी से निकल चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, देन वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि हम कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं। मे भी शायद या तो दो पॉइंट है या तो लास्ट पॉइंट है, या तो सनसेट होगा, देन फिर देखते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो मायावी के जस्ट सामने ही, यहाँ पर अभी मैंने स्नॉर्कलिंग की है ऑलरेडी, वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। सो इट इज कनाडा, कोरिया। सो गाइस इज जस्ट मायावी के सामने ही स्नॉर्कलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर अभी मैंने स्नॉर्कलिंग की है। रियली फेमस, आई फॉरगेट हिज नेम, बट लाइक रियली फेमस। एंड तुमने माते तो रेडीस स्नॉर्कलिंग अभी हो चुकी है, अभी उसके बाद में अभी हमें जाना सनसेट पॉइंट के लिए। एक बार आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। सो गाइज अभी हम जाएंगे सनसेट पॉइंट पे, देन उसके बाद में वहाँ से देखेंगे कैसा लग रहा है। अभी एक बार ये देख लो भाई, क्या मस्त लग रहा है, देख रहे हो सनसेट पॉइंट का पूरा, यहाँ पे रोशनी आ रही है। और बाकी ये मेरे मेंबर्स हैं। हाय रूबल, हे व्हाट्स अप गाइस, यहाँ पे सब स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं।
रहेंगे 7:30 बजे तक, और ये सनसेट के बाद हमारा वो लास्ट पॉइंट रहेगा और काफ़ी मज़ा आ रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपको भी एक बार तो आना चाहिए एटलीस्ट लाइफ में, एक बार तो किसी को ये लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी लास्ट लोकेशन पे। अभी हम प्लैंकटन का वेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे थोड़ा टाइम लगे उसके बाद जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आई विल शो यू। अभी मैं भी शायद से वहाँ पर मेरा